हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, वो है ब्लड एंड रिलेशंस। ठीक है, रीजनिंग का ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी देखेंगे एंड एट लास्ट इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हमारे प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, ब्लड एंड रिलेशन जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या है, हमारा BRC बेस्ड है। तो व्हाट इज़ दिस BRC? BRC इज़ नथिंग बट इट इज ब्रिटिश रिलेशनशिप चार्ट। ओके, जो ब्रिटिश रिलेशनशिप चार्ट है जो उनके द्वारा बनाई गई है, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं ब्लड एंड रिलेशन पे। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो रिलेशंस है विथ आवर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, हम इसको इंग्लिश टर्म में कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, अगर हम वही ब्रिटिश रिलेशनशिप चार्ट से ये टर्मिनोलॉजी आई है तो इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि मैटरनल को आप क्या बोलोगे, आप मदर साइड। अगर जो भी चीज़ है ना मदर साइड, वो साइड में आप क्या होगा, मैटरनल होगा। ठीक है, नाउ अगर फादर साइड की बात करेंगे तो वो किधर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पैटर्नल। आफ्टर देन अगर सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या होता है, जो भी आपके ब्रदर भाई है ना, आपके ब्रदर हैं सिस्टर हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स। स्पाउस, स्पाउस मतलब क्या होता है, वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, अगर वाइफ का रिलेशन अगर हस्बैंड से हो तो स्पाउस बोलेंगे, और हस्बैंड का रिलेशन वाइफ में हो तो स्पाउस बोलेंगे। दैट मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन को स्पाउस बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करें कंटेम्प्रोरी के, क्या है सेम जनरेशन एज ग्रुप है ना, जैसे सेम जनरेशन की बात करें, एज ग्रुप को बात करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेम्प्रोरी। ओके, जैसे आप अगर 18 to 20 में हो और आपका फ्रेंड भी 18 to 20 में है तो उसको क्या बोलेंगे आप, कंटेम्प्रोरी। फादर्स की अगर हम बात करें, पेरेंट की, तो मदर फादर जो होंगे वो पेरेंट में आएंगे। एंड किड एंड चाइल्ड की बात करें तो सन एंड डॉटर। ओके, अगर आपका लड़का है देन सन, एंड अगर आपकी लड़की है देन इट विल बी डॉटर। और चिल्ड्रेन और किड्स की बात करें तो सेम सन्स डॉटर। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करेंगे, मैटरनल पैटर्नल सिबलिंग्स स्पाउस है ना, ये सब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे ना क्वेश्चंस करते टाइम। तो ये टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ होना है कि ये क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। नेक्स्ट अगर हम थर्ड थिंग की बात करें, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे, वो क्या है, देखो यहाँ पे ये आई, आई मतलब जो आप एज्यूम करोगे, ठीक है, वो होगा आई। आई मतलब मैं है ना, जो भी क्वेश्चन करेगा वो अपने आप को वहाँ प्लेस करेगा, दैट इज़ आई। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो देखो अगर हम बात करें अगर फादर साइड है ना, अगर फादर साइड बात करें अगर हम, तो फादर साइड की बात करें तो फादर के, फादर को क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड फादर है ना। PGM मतलब क्या है, पैटर्नल ग्रैंड मदर, दिस इज पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड दिस विल बी पैटर्नल ग्रैंड फादर है ना। फादर के फादर की बात करेंगे। अगर फादर के सिबलिंग, सिबलिंग मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, ऑलरेडी हमने टर्मिनोलॉजी में बताया कि उनकी सिबलिंग को क्या बोलेंगे, पैटर्नल ग्रैंड अंकल और पैटर्नल ग्रैंड आंटी। ओके, नाउ अगर हम बात करें फादर के फादर के फादर की बात करें तो क्या बोलेंगे, पैटर्नल ग्रैंड ग्रेट मदर, पैटर्नल ग्रैंड ग्रेट फादर। ओके, ये होगा आपका, ठीक है, हमने फादर साइड समझ ली। ओके, फादर साइड हमने समझ ली कि फादर के सिबलिंग को क्या बोलेंगे, फादर के सिबलिंग को अंकल आंटी बोलेंगे, अगर मेल है तो अंकल और फीमेल है तो आंटी। एंड आफ्टर देन अगर उनकी किड्स की बात करें, अगर उनकी किड्स की बात करें तो क्या बोलेंगे, कजिन्स। ठीक है, उनकी किड्स की बात करें तो क्या बोलेंगे, कजिन्स। अब अगर हम मदर साइड की बात करें, अगर अपने मदर साइड की बात करें, देन अगर सेम चीज़ होगी, देखो फादर साइड सिबलिंग को क्या बोलेंगे, अंकल आंटी, वैसे ही मदर साइड सिबलिंग को क्या बोलेंगे, अंकल आंटी। लेकिन अंकल आंटी यहाँ क्या बोलेंगे, पैटर्नल, दिस थिंग पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंटी। एंड मदर साइड की क्या बात करेंगे, मैटर्नल अंकल या मैटर्नल आंटी। ओके, ना मदर के फादर को क्या बोलेंगे, मैटर्नल ग्रैंड फादर। एंड मदर को क्या बोलेंगे, मदर के मदर को मैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी है, आप समझ जाओगे क्वेश्चन करते वक्त। अब अगर आपके मतलब मदर के मदर को या फादर की अगर सिबलिंग्स हैं, डैट मीन्स ब्रदर एंड भाई हैं, तो उनको क्या बोलोगे आप, मैटर्नल ग्रैंड अंकल एंड मैटर्नल ग्रैंड आंटी। सेम चीज़ बेस्ट है, बस यहाँ पी लग गया है, दैट मीन्स पैटर्नल की बात करेंगे, और हम यहाँ पे एम लग गया, दैट मीन्स मैटर्नल की बात करेंगे। अब मैटर्नल ग्रैंड फादर और मैटर्नल ग्रैंड मदर के मदर और फादर को क्या बोलेंगे, मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर, मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये चीज़ है, देखो ऊपर की तो बातें सेम है,
ओके अब देखो मैटरनल ग्रैंड अंकल की किड्स की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कजिन्स। तो अगर आप देखोगे तो ये पार्ट आपका सेम है, बस मैटरनल एंड पैटरनल का टर्म यूज़ हुआ है। ठीक है सिबलिंग्स की बात करें तो अंकल आंटी बोलोगे। ठीक है और आपको इजीली याद रखना है तो आप फादर साइड याद रखो। देखो फादर साइड में अगर आपका कोई अंकल है तो उनके आपको जनरली आप अंकल ही आंटी बुलाते हो, बस पैटर्नल लग जाता है। वही अगर मदर की बात करोगे तो सेम चीज़ आएगा, अंकल आंटी। अगर आप हिंदी टर्म में अगर हम अपने रिलेशंस की बात करें जो हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं तो जैसे मामा मामी, सो इट विल बी कॉल्ड मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंटी। नाउ अब अगर हम बात करें अपने स्पाउस, व्हाट इज मीन बाय स्पाउस, आपको बताया अभी अगर हमने हस्बैंड वाइफ की बात करें तो अगर आप मदर इन लॉ, दैट मीन्स अगर आप बात करोगे हस्बैंड साइड की और उनकी मदर के लिए वाइफ, वाइफ की उनकी मदर क्या लगेंगी, मदर इन लॉ। ऐसे होता है फादर इन लॉ। ठीक है तो अगर हम बात करें वाइफ एंड हस्बैंड के घर पहुंच जाएंगे तो वो बोलेंगे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। आफ्टर देन उनकी सिस्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। ठीक है तो आप जनरल टर्म में अगर देखोगे अगर हम यूज़ जो करते हैं जैसे साला, सो मतलब जो हम यूज़ करते हैं टर्म्स जनरली, सो व्हाट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। ठीक है आपको याद रखने के लिए बस मैंने बोला, एंड बाय द वे ऐसा कुछ है नहीं। सो यहाँ पे क्या है कि ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ठीक है अब उनकी अगर हम, अगर उनकी हम बात करें सन या फिर डॉटर हो तो उनको क्या बोलेंगे, अपने से रिलेशंस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, नेफ्यू एंड नीस। ओके अगर बात करें ऐसे हिंदी टर्म में तो भांजा एंड भांजी, सो इट विल बी कॉल्ड सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ अगर सन्स एंड डॉटर की बात करेंगे तो। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आपके डॉटर एंड आपके सन हो, ठीक है तो उनको तो जनरल टर्म में आप बोलोगे सन एंड डॉटर, बट अगर उनकी वाइफ हो, जैसे आपका कोई सन है और उनकी वाइफ को क्या बोलोगे आप, डॉटर इन लॉ, एंड आपकी अगर डॉटर है तो उसके हस्बैंड को क्या बोलोगे, सन इन लॉ। तो ये जान जाओ आप कि अगर आपका रिलेशन, आपका रिलेशन थर्ड पहुंच जाए तो वहाँ पे इन लॉ लग जाता है। ठीक है इन लॉ लग जाता है अगर आप कंटेम्पोररी, अगर आप स्पाउस की बात करोगे तो। ठीक है तो ये चीज़ मैं अभी समझाता हूँ आपको याद रखने के लिए। आगे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं। नाउ अगर आप बात करोगे यहाँ सिबलिंग की, ठीक है सिबलिंग बोले तो आप अगर अपने ब्रदर और सिस्टर की बात करोगे तो ब्रदर की वाइफ को क्या बोलोगे, सिस्टर इन लॉ, एंड सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलोगे, ब्रदर इन लॉ। ओके ठीक अपोजिट, ठीक है अगर ब्रदर है देन इट विल बी कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। ठीक है अपोजिट हो जाता है, बस इन लॉ लग जाती है। ओके एंड उनके ब्रदर एंड भाई को क्या बोलोगे आप, नेफ्यू। तो देख रहोगे आप यहाँ भी नेफ्यू है, यहाँ भी नेफ्यू है और यहाँ भी नेफ्यू है, तो चीज़ें सेम है, बस क्या है यहाँ पे अंतर ये आ जाता है कि आपका ब्रदर साइड है या फिर वाइफ साइड है। नाउ अगर आप बात करोगे कि आपके वाइफ की, आपके सॉरी आपके सन की वाइफ का अगर कोई, आपके सन का अगर कोई वाइफ का बेटा है तो उसे आप क्या कहोगे, ग्रैंड सन। एंड इट इज़ विल, अगर सेम फॉर डॉटर इट विल बी ग्रैंड डॉटर, एंड उनकी अगर, अगर उनका भी कोई बेटा हो तो देन इट विल बी गॉट ग्रेट ग्रैंड सन, एंड इट विल बी ग्रेट ग्रैंड सन, एंड लास्ट किसको बोलोगे, जीजीडी मतलब ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है तो अगर आपको याद रखना है तो एक चीज़ जान लो, जैसे आप हो, ठीक है आप हो और इसके बाद यहाँ पे अगर आपकी वाइफ के कोई भी रिलेशन की बात करें, अगर वाइफ की कोई भी रिलेशंस की बात करें तो वो लग जाती है इन लॉ। ओके वो लग जाता है इन लॉ। ठीक है तो ये थोड़ा याद रखने का तरीका है, आप देख रहे होगे अगर वाइफ की जो भी चले जाओगे आप, इन लॉ का टर्म यूज़ हो जाता है, तो ये चार्ट आपको याद रखनी होगी। ठीक है तो याद रखने के लिए सिर्फ क्या है, आप फादर साइड ही याद रखो तो ऊपर की बात याद हो जाएगी, स्पाउस और सिबलिंग की बात करोगे तो इन लॉ लगाना है आपको, एंड अगर बात करोगे सन एंड डॉटर की देन इट विल बी ग्रेट सन ग्रैंड डॉटर एंड ग्रेट ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है तो ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा मेमोराइज करोगे तो याद हो जाएगा। नाउ अगर हम कॉमन क्वेश्चंस की अप्रोच करने की बात करेंगे कि हम क्वेश्चन जो अप्रोच करेंगे वो कैसे करेंगे, तो देखो आप जो भी मेल का मेल आएगा, जो भी मेल आएगा मेल की बात करी जाएगी तो उसको आप एक बॉक्स में सिर्फ पॉजिटिव बना लेना। ये पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ एक कह सकते हो हमारे क्वेश्चन करने के लिए एक कन्फ्यूज़न दूर करने का पॉइंट है। ओके नथिंग इज़ पॉजिटिव एंड निगेटिव, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है,
तो मेल की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव से करेंगे क्वेश्चंस, और फीमेल की बात करेंगे तो निगेटिव से करेंगे। और एक ही प्रैक्टिस करोगे आप, इसको निगेटिव मान सकते हो, इसको पॉजिटिव, जैसा भी आपको लगे कि आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। बट जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक ही टॉपिक पे करना, जैसे मैंने प्रैक्टिस की है तो इस पे मेल और फीमेल पे की है, तो आप भी इसी पे याद रख सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, बट उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन करना, सो दैट याद रहे ना, आगे क्वेश्चन में आप भूलोगे नहीं। तो ये फीमेल है जिसमें कि आपको क्या करना है, निगेटिव से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बॉक्स बना के सिर्फ ये कह सकते हैं, इनके डेजिग्नेशन दे देंगे कि मेल मतलब पॉजिटिव एंड फीमेल मतलब निगेटिव, सो दैट क्वेश्चन में आगे रिलेशंस में हमें आसानी होगी। और दूसरा जो हमारा अप्रोच होगा वो टॉप दी बॉटम अप्रोच होगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होगा। डैट मीन्स एल्डर ऊपर होगा, जैसे अगर आपकी बात करो तो मदर की बात करी जाए तो मदर ऊपर रखोगे आप, और अगर आपका सन या डॉटर की बात करी जाए तो वो नीचे रहेगा। दैट मीन्स हम क्या फॉलो करेंगे, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। और अगर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी मेल और फीमेल का बात नहीं करी जाएगी क्वेश्चन में, तो उसको आप ना प्लस और ना माइनस किसी से नहीं दिखाओगे, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देना, बॉक्स बना के आप क्या करोगे, उसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है, मतलब ऐसे ही छोड़ देना, सो दैट आगे अगर कहीं हमें क्वेश्चन में हो सकता है कि हिंट दी जाए तो हम वो क्वेश्चन कर ले जाएं, ठीक है। तो अभी एक प्रैक्टिस पे क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद हम समझते हैं हमने क्या बताया और आपने क्या अंडरस्टैंड किया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फर्स्टली समझते हैं। तो अ मैन हु इज डॉटर ऑफ बी सेड टू सी, ठीक है, योर्स मदर डी द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर बी हु इज द सेकेंड सन ऑफ ई। अब देखो क्वेश्चन क्या है ना, पहले तो आप अपने आप को प्लेस कर लो कि आप क्या बनना चाहते हो। तो ए हु इज द डॉटर ऑफ बी सेड टू सी, मतलब ए कह रहा है, तो ए मान लो आप हो, ठीक है, ए मान लो आप हो, तो आप क्या कह रहे हो, हु इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, क्लियरली दिया हुआ है कि हु इज द डॉटर ऑफ बी। दैट मीन्स ए का, ए का हमें सिंपल पता चल गया, निगेटिव फीमेल है, ओके नाउ, ठीक है, ए का, ए इज द फीमेल। अब ऑफ बी सेड टू सी, ठीक है, तो डॉटर ऑफ बी क्या कह रहा है, देखो ए क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, दैट मीन्स क्या है कि बी क्या है, बी ऑब्वियस ही बात है कि बी एक और पर्सन है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें साइन नहीं पता कि फीमेल है मेल है, तो हमने क्या किया, बॉक्स बना के लेफ्ट कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आया। बी का हमें पता नहीं है मेल है फीमेल है, बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्या बता रहा है कि डॉटर ऑफ बी, डॉटर ऑफ बी, बट डॉटर में क्या होगा, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बताता है, योर्स मदर सी को बोलता है, ठीक है, तो ए सेड टू सी, तो ए जो है सी को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे एक डॉटेड साइन कर देंगे कि ये किसको बता रहा है, मैं किसको बता रहा हूँ, तो मैं सी को बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सी को बता रहा हूँ। अब क्या बता रहा हूँ, योर्स मदर डी, मतलब सी की जो मदर है डी, ठीक है। देखो मैंने बॉटम बॉटम टॉप टू बॉटम मैंने अप्रोच सॉल्व किया है, देखो डी द मदर कह रहे ना, योर्स मदर डी मतलब ये मदर हो गई, तो दैट मीन्स निगेटिव साइन यहाँ भी यूज़ करेंगे, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर बी, सिस्टर, ठीक है, तो सिस्टर ऑफ फादर बी, तो यहाँ देखो फादर बी बोल दिया, फादर बी मतलब बोल दिया, तो बी का पहले तो हमें साइन पता चल गया कि बी इज फादर, दैट मीन्स मेल पॉजिटिव, एंड यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। अब देखो बी एंड डी इज द ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज क्लियरली सेड, यंगर सिस्टर ऑफ फादर, यंगर सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे जब ब्रदर एंड सिस्टर की बात की जाए, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर की बात की जाए, या फिर वाइफ एंड हस्बैंड की बात की जाए, तो इसको आप डबल साइन से दे सकते हो इक्वल, क्योंकि हमने बताया वो कंटेम्प्रोरी हैं, ठीक है, कंटेम्प्रोरी हैं, कंटेम्प्रोरी मतलब सेम एज ग्रुप के हैं, है ना, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कंटेम्प्रोरी हैं, दैट मीन्स सेम एज ग्रुप के हैं, तो उसको आप इक्वल साइन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, सो दैट इजी रहेगा ताकि हमारे रिलेशन बनाने में। तो यहाँ पे क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर की रिलेशन बन गया। नाउ हु इज द सेकेंड सन ऑफ ई, ठीक है, तो माई फादर बी हु इज द सेकेंड सन ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ई है, ठीक है, ई ई का सेकेंड सन बी है, ठीक है, तो क्वेश्चन देखो समझ लिया, योर मदर्स डी, सी के मदर्स डी इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर्स बी, सिस्टर ऑफ फादर्स बी हु इज द सेकेंड सन ऑफ ई, दैट मीन्स सन ऑफ ई, ठीक है, तो ये सन हो गया, बी इज द सन हो गया, डी इज द डॉटर हो गया, आफ्टर नहीं है, तो ये हमारा पूरा अप्रोच बन गया। नाउ व्हाट क्वेश्चन आस्क, कि हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी,
दैट मीन्स कि ई ई इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? तो देखो, आप अगर देखो कि आपको चाहिए क्या, तो आपको एक अप्रोच चाहिए, वो कौन सा चाहिए? ये, ठीक है, ये। अब ये कैसे रिलेशन बनेगा? तो देखो, सी के मदर के फादर हैं, ठीक है, सी के मदर के फादर हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया? मदर साइड हो गया। मदर साइड हो गया तो क्या हो गया? ग्रेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैटर्नल पैटर्नल ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, मैटर्नल पैटर्नल ऑप्शन में नहीं दिया है हमारा। ऑप्शन दिया गया सन, फादर, ग्रैंड फादर, कजिन। तो देखो, ई का अगर हम बात करें तो ई का भी हमें जेंडर नहीं पता है, ई का भी जेंडर नहीं पता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो, अब ये देखो, ये तो आपके हो गई मदर। अब मदर के ऊपर जा रहा है हमारा, दैट मीन्स ये होगी ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होगा। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में क्या है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर नहीं है, सिर्फ ग्रैंड फादर है। तो ऑप्शन विल बी सी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी, दैट मीन्स ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर की रिलेशन में आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीधे सीखने वाली बात क्या आई? पहली चीज, हमने सिंबल बना के ए को सी से बताया कि सी के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या जा रहा है, एंड सिंबल नोट डाउन कर लिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने जो है अप्रोच रखा टॉप टू बॉटम, और क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया ग्रैंड फादर। तो ये पूरा ऐसे ही ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।